देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। जम्मू कश्मीर आतंकवादी हमलों में शहीद देश के नौजवानों को जिला कांग्रेस कमेटी पचपदून द्वारा हॉस्पिटल रोड स्थित शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी पचपदून द्वारा शहीद स्मारक विकास नगर में वीर जवानों की शहादत को याद कर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर समस्त कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर, शहर अध्यक्ष शम्मी प्रेम, प्रकाश अग्रवाल, विपुल जैन, प्रेम प्रकाश, सरोज देवी, राजीव शर्मा, हरीश ग्रोवर, वैभव गुप्ता, मुनीर अहमद, अजीम डोगरा, अशोक जागर, गुरविंदर सिंह पम्मी, संदीप ध्यानी, भानु चौहान आदि कई कांग्रेसजन उपस्थित रहे। डीसीपी न्यूज के लिए रुद्र बहादुर थापा की रिपोर्ट। कश्मीर के अंदर 9 हमारे सैनिकों की शहादत हो गई है, इस देश के बहादुर जवानों की शहादत हो गई है आम लोगों की रक्षा करते हुए। आज उन सैनिकों को यहाँ पर शहीद स्थल पर कांग्रेस के सभी साथियों ने श्रद्धांजलि दी है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उनके श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखा है। उत्तराखंड के लोगों का हमेशा जज्बा देश की सेवा के लिए रहा है और लगातार हजारों हजारों लोग इस देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है, उत्तराखंड के हमारे सैनिकों ने, हमारे परिवार के बच्चों ने। लेकिन एक दुख का विषय है कि कश्मीर के अंदर ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि वहाँ पर ना आम आदमी सुरक्षित है, ना वहाँ पर अध्यापक सुरक्षित हैं। अध्यापकों को भी वहाँ पर निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है आतंकवादियों द्वारा, और लगातार केंद्र सरकार दावा करती है कि कश्मीर में सब सामान्य है। लगातार दावा करती थी कि 1 सर के बल्ले 10 सर लाएंगे, लगातार दावा करती थी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, लेकिन सारे दावे आज खोखले साबित हो रहे हैं और उसका नुकसान हमारे उत्तराखंड के नौजवानों को उठाना पड़ रहा है, उन परिवारों को उठाना पड़ रहा है जो वहाँ पर रक्षा करने के लिए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अब सरकार ये कड़ा कदम उठाए और एक तरफा फैसला लेने की जरूरत है, जो वादा उन्होंने उत्तराखंड की जनता से किया था उसको निभाने की जरूरत है। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।